बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन है उसका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर है अबाउट द चैप्टर प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन्स सिलिकॉन्स और देन जो है वो सिलिकेट्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन, इनको हम डिटेल में एक लेक्चर में, यानी पहले लेक्चर में हमने कार्बन के कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस किया था, अब हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमील। तो बेटे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के टॉपिक के, कि हम पहले तो जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्योर सिलिकॉन जो है जो सोलर एनर्जी और सिलिकॉन चिप्स के लिए यूज़ होता है उसकी प्रोडक्शन देखेंगे, देन सिलिकॉन्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे सिलिकॉन्स की, फिर सिलिकॉन और सिलिकॉन्स में डिफरेंस क्या है, देन हम सिलिकेट्स का इंट्रोडक्शन, उनकी टाइप्स और उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है ये एलिमेंट है ग्रुप 14 का या ग्रुप 4A का, ठीक है। हमारे पास ग्रुप 14 या 4A के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम स्टेनलेस लेड। तो ये सेकंड एलिमेंट है किसका, ग्रुप 4A या 14 का, तो सेकंड एलिमेंट है ग्रुप 4 का, ठीक है। और सिंबल ऐसा ही है, एटॉमिक नंबर 14 है, एटॉमिक मास इसका 28 है और ये फर्दर उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दे दी है 3s2 3p2। ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक को बिलोंग करता है और जेकब बर्जीलियस ने इसको डिस्कवर किया था और मेटलॉइड नेचर है इसकी, ठीक है। की आइसोटॉप्स इसके जो दो हैं वो एक का एटॉमिक मास 28 है और एक का 30 है। एलोट्रॉप्स इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डिस्कस है कि इसके एस में दो और पी में दो, यानी टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतनी इसकी डेंसिटी होती है। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कौन सा था बेटे, वो ऑक्सीजन था। सेकंड मोस्ट जो है वो सिलिकॉन है। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट जो है वो ऑक्सीजन है, उसकी परसेंटेज बता दी। मेनली प्रेजेंट इन सॉइल्स एंड रॉक्स, तो सॉइल्स और रॉक्स में ये प्रेजेंट है। सिलिकॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी इनकी फॉर्म में भी है लेकिन इतना नहीं है, मेनली सॉइल्स और रॉक्स में। नेचुरली सिलिकॉन एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, नेचुरली जो है ये कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। SiO2, ठीक है। क्वार्ट्स इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ओपल इसी की हाइड्रेटेड वैरायटी है सिलिका की। इसके अलावा फ्लिंट भी है और देन सैंड भी है। तो प्रेपरेशन ऑफ प्योर सिलिकॉन, क्योंकि हमें जो हमने ये चिप्स बनानी है सोलर एनर्जी के लिए या सोलर पैनल्स के लिए, तो उसके लिए हमें प्योर सिलिकॉन रिक्वायर्ड है। तो लेबॉरेटरी मेथड क्या है कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमें सबसे ईजीली अवेलेबल है उसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन लेके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे और सिलिकॉन आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा। क्योंकि वैसे नॉर्मली फ्री स्टेट में सिलिकॉन नहीं होता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होता है और ज़्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकेट्स की फॉर्म में होता है। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फॉर मेटलर्जिकल पर्पज, नहीं ये जो बना है ये इतना कोई हाई क्वालिटी प्योर नहीं है, थोड़ी सी प्योरिटी इसमें आ गई है, हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दी है। सिलिका इज रिड्यूस थ्रू रिएक्शन विद कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल। तो जब हमने इंडस्ट्री में हमें चाहिए होता है फिर हम क्या करते हैं, इसको चारकोल या कोल के साथ रिड्यूस कर लेते हैं सिलिकॉन को। कार्बन इससे ऑक्सीजन लेके इसको रिड्यूस करवा देती है, ये प्लस 4 से 0 में चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 2 का मिलके -4 हो जाएगा और सिलिकॉन +4 में था, बाद में 0 में चला गया, फ्री स्टेट में चला गया। द रिजल्टिंग सिलिकॉन इज मेटलर्जिकल ग्रेड, यानी प्योर है लेकिन हाईली प्योर नहीं है, 98% प्योर है, 100% प्योर नहीं है, 99.9% प्योर नहीं है। एंड इज यूज एक्सटेंसिवली इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में हम यूज करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने प्योर सिलिकॉन बनाना है 99.9%, यानी जिसमें इम्प्योरिटी जो है वो -10^-8% हो, बहुत थोड़ी हो, ना होने के बराबर। दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग सैंड टू गेट इम्पोर्टेंट सिलिकॉन, जैसे हमने यहाँ किया है सैंड से हमने सिलिकॉन बनाया, लेकिन ये अभी भी प्योर नहीं है, इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। दिस सिलिकॉन इज हीटेड विद क्लोरीन टू गिव सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब हम इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा के सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बना देते हैं, क्योंकि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसा ही Cl4 क्या है, कहते हैं इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है 58 सेंटीग्रेड है।
लिक्विड विच इज़ प्योरीफाइड बाई डिस्टिलेशन, जब आप हीट करेंगे तो आप इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको डिस्कस किया हुआ है कि SiCl4 का आपने क्या किया बेटे, रिएक्शन करवा दिया सोडियम मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल ले ली सोडियम या मैग्नीशियम, वो इससे क्लोरीन ले लेगी रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा और साथ में सिलिकॉन बन जाएगी। अब जो सोडियम या मैग्नीशियम क्लोराइड है इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय डिजॉल्विंग इन वाटर टू गेट प्योर सिलिकॉन। क्या आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे, सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और सिलिकॉन डिजॉल्व नहीं होगा। इट इज़ मेल्टेड एंड कास्टेड इन टू रॉड्स एंड दीज रॉड्स आर फर्दर रिफाइंड बाय जून रिफाइनिंग। अभी भी ये 99.99% प्योर नहीं हुआ, तो हम जून रिफाइनिंग टेक्निक से इसको फर्दर प्योरीफाई करने जा रहे हैं। अब ये जून रिफाइनिंग मेथड क्या है, बाय दिस मेथड दोज एलिमेंट्स आर प्योरीफाइड विच रिक्वायर्ड हाई प्योरिटी लाइक जर्मीनियम है या सिलिकॉन है या गैलियम है, जिनको हम ट्रांजिस्टर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड इम्प्योर एलिमेंट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रॉड, जैसे ये रॉड है इस रॉड की फॉर्म में आपने ले लेना है। ए सर्कुलर हीटर इज फिटेड अराउंड इट, ये सर्कुलर हीटर इसके अराउंड फिट कर दिया। द फंक्शन ऑफ हीटर इज टू मेल्ट द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सिलिकॉन रॉड। देखिए ना, सिलिकॉन और इम्प्योरिटीज, प्योर सिलिकॉन जो है वो इम्प्योरिटीज की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, तो होगा एक्चुअली ये कि ये इम्प्योरिटीज को मेल्ट कर देगा और सिलिकॉन इंटैक्ट रहेगा। है सोल्यूशन कंटेनिंग डिजॉल्व सोल्यूट यानी इम्प्योरिटीज इन सिलिकॉन जो है नॉर्मली हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट, प्योर सिलिकॉन का ज़्यादा होगा और इम्प्योर का कम होगा। थस इम्प्योरिटीज कंक्रीट इन द मेल्टेड जोन, ये मेल्ट कर रहा है ठीक है, और मेल्ट करके ये इम्प्योरिटीज एक डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंक्रीट या सॉलिड सिलिकॉन एक साइड पे है और हीटर की वजह से जो मेल्टेड है पार्ट हम हीटर को इधर को मूव करवाते जाएंगे, मेल्टेड पार्ट जितना है वो सारा इधर को मूव करता जाएगा और इम्प्योरिटीज उसमें चली जाएंगी। फॉर दिस पर्पज द हीटर इज स्लोली मूव्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने मूव करवा दिया। एज हीटर मूव्स टू द राइट साइड ऑन द मेटल रॉड द मोल्टन इम्प्योरिटीज ऑल्सो मूव टू द राइट, जब आप राइट को लेके जाएंगे तो वो राइट को मूव कर जाएंगी। अल्टीमेटली इम्प्योरिटीज रीचेज द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द रॉड एंड कलेक्ट हेयर, यानी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे बेटे। दिस एंड ऑफ द रॉड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज फाइनली कट ऑफ, और इसको हम इस एंड को फिर कट कर देंगे ताकि इम्प्योरिटीज का चांस ना रहे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इवन अगर हम चाहें तो दूसरी साइड पे भी एक बार, यानी हम एक्चुअली यहाँ से लेके जा रहे हैं रॉड को, मैं हीटर को, रॉड यहाँ था, हीटर यहाँ से मूव करके आप सारी इम्प्योरिटीज को उस साइड पर ले गए, बेशक आप इस साइड पर ले जाएँ, अप टू यू होता है। सिलिकॉन्स अब क्या है, सिलिकॉन हमने पढ़ा है, अगर स्पेलिंग में फ़र्क देखें तो एक एस का ही फ़र्क है, लेकिन वैरायटी में बड़ा फ़र्क है। सिलिकॉन्स और पॉलीसाइक्लोजेन्स आर ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स, ये एक्चुअली पॉलीमर है सिलिकॉन का, ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर है, यानी आप सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ ना बेटे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में होती हैं चार ऑक्सीजन चारों साइड में, और सिलिकॉन्स में आपने क्या किया है, दो जो वैलेंसीज हैं जो ऑक्सीजन की जगह उनकी जगह क्या लगा देना है, कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा देना है, तो इन कंपाउंड्स को सिलिकॉन्स कह देते हैं। विद जनरल फार्मूला R2SiO दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला सिमिलर टू कीटोन्स, जैसे कीटोन्स का होता है R2CO, सो दे आर कॉल्ड सिलिकॉन्स, जैसे उनको कीटोन्स कहते हैं इनको सिलिकॉन्स कह देते हैं। ये लीनियर या क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं, इनकी टाइप सभी हम आगे पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई थर्मल स्टेबिलिटी दे आर हाई कॉल्ड हाई टेम्परेचर पॉलीमर, क्योंकि ये थर्मली बहुत स्टेबल है तो इनको हम हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स का नाम भी दे देते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स विद ऑल्टरनेट SiO बैकबोन, ये देखें अगर आप SiO यही बैकबोन चलती है, सिमिलर टू दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फ़र्क कितना क्या है, मैंने बताया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सारे ई ऑक्सीजन होती हैं, अगर आप उसकी दो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें किस से, अल्काइल ग्रुप से, तो ये नए कंपाउंड बनते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, सिलिकॉन। दी सिलिकॉन चेंज एक्सपोजेज ऑर्गेनिक ग्रुप टू द आउटसाइड, इनका ऑर्गेनिक ग्रुप एक्सपोज होता है, ये देखिए अल्काइल ग्रुप आउटसाइड द चेन है और ये एक्सपोज है, जैसे यहाँ मिथाइल है ये आउटसाइड द चेन है और ये एक्सपोज है, जो लिंकिंग हो रही है वो SiO हो रही है, बैकबोन हुई रहती है, एक्सपोज ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने इनकी ड्रॉ कर दी हुई है। प्रॉपर्टीज क्या है सिलिकॉन्स की, ये भी अगेन फर्दर क्लियर पिक्चर है आपके पास। नेचर ऑफ पॉलीमर डिपेंड किस पे करती है, अल्काइल ग्रुप पे, जितना अल्काइल ग्रुप बड़े साइज का होता जाएगा इनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी।
एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग, कितनी लिंकिंग हुई है, जितनी लिंकिंग ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ये विस्कस हो जाएंगे, उतनी जो है ये इवन सेमी सॉलिड या सॉलिड भी बन जाएंगे। तो पॉलीमराइजेशन की डिग्री पे डिपेंड कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप की नेचर पे, क्रॉस लिंकिंग पे। दे रेंज फ्रॉम ऑयली लिक्विड्स टू रबर लाइक सॉलिड, वो डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप पे और क्रॉस लिंकिंग पे। ऑल सिलिकॉन्स आर वाटर रेपेलेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप की वजह से, ये आपको पता है जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं नॉन पोलर होते हैं, वाटर रेपेलेंट होते हैं, तो ये भी वाटर रेपेलेंट हो गया। दे आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, तो हीट को, क्योंकि पॉलीमर है ना, तो पॉलीमर होने की वजह से ये हीट को जो है वो कंडक्ट नहीं करते, ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। केमिकली दे आर इनर्ट दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड एसिड फॉर्मेशन इवन एट हाई टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टी इनकी बड़ी यूजफुल होती है, आगे हम देखेंगे कि इनको हम यूज़ करते हैं इसीलिए जो है एज जो है वो लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। लोअर सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स, ठीक है, देखिए ना आप ऑयली लिक्विड्स हैं, ग्रीजी हैं, तो इनको लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज हाई विद लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स आर वैक्सी सॉलिड, तो या तो ये लिक्विड स्टेट में होंगी या सॉलिड, डिपेंड करेगा चेन लेंथ कितनी है, अल्काइल ग्रुप कितना है। विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन ऑयल रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज एप्रिसिएबली विद टेम्परेचर, जो हमारे ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट हैं, ऑयल्स हैं, ग्रीसेस हैं, उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है टेम्परेचर चेंजेस के साथ, जबकि सिलिकॉन्स की विस्कोसिटी में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज होने से, यानी ये विंटर में थिकर नहीं होते और समर में थिनर नहीं होते। तो यूजेज ऑफ सिलिकॉन एज अ लुब्रिकेंट, मैंने अरबी बताया कि लुब्रिकेंट के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं, ये बता दिया कि जी वैक्यूम पम्प्स वगैरह में यूज़ करते हैं, करते क्यों हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये ना तो फ्रीज करते हैं -40 पे और ना मेल्ट करते हैं ओवर 200 सेंटीग्रेड तक भी मेल्ट नहीं करते। फायर प्रूफ क्लॉथ्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलेटिंग नेचर है, वाटर रेपेलेंट है ऑर्गेनिक ग्रुप की वजह से, तो सर्फेसिस को वाटर रेपेलेंट बनाने के लिए उनके ऊपर आप उनका पेट कर देते हैं। इंसुलेटिंग मटीरियल के तौर पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स और अदर अप्लाइंसेज में, जो इंसुलेटिंग वायर होती है, वायर के ऊपर इंसुलेशन होती है, वो इसकी बना सकते हैं, बना के तो इंसुलेशन का काम ले सकते हैं। टेम्परेचर रेजिस्टेंट पेंट्स, मिक्स विद पेंट्स एंड एनमल्स टू मेक देम टेम्परेचर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स हाई टेम्परेचर, सनलाइट, डैम्पनेस, इतना मॉइस्चर से ये ख़राब होंगे हैं, ये जो आजकल पेंट्स आ रहे हैं जो गर्मी सर्दी वेदर से भी चेंज नहीं, उन ख़राब होते हैं, ठीक है, मॉइस्चर से ख़राब नहीं होते, नमी से ख़राब नहीं होते, उन पेंट्स में हमने क्या किया होता है, सिलिकॉन्स का यूज़ किया होता है। तो प्रेफर क्यों करते हैं ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट से, मैंने बताया एक तो इनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। अगर आम ऑयल है तो उसकी विस्की आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, आम ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो 100 फोल्ड चेंज होती है अगर आप टेम्परेचर 100 से ज़ीरो करें, जबकि सिलिकॉन ऑयल की जस्ट 4 फोल्ड होती है, मतलब बहुत थोड़ा चेंज है विस्कोसिटी। सेकेंडली ये हाई टेम्परेचर पे एसिड फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन से फ्री रहते हैं, जबकि बाकी में एसिड फॉर्मेशन या ऑक्सीडेशन हो जाती है, इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है। अब सिलिकॉन और सिलिकॉन्स में क्या फ़र्क है बेसिकली, तो सिलिकॉन एलिमेंट है सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड से ये बिलोंग करता है, फोर्थ ग्रुप से ये बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर इसका 14 होता है, एटॉमिक मास 28 होता है, जबकि सिलिकॉन्स एक पॉलीमर हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, जिनमें ऑल्टरनेटिवली OSIO लिंकेज होता है, बैकबोन इसकी होती है, और अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स कौन सी होंगी, पहली है लीनियर सिलिकॉन, ठीक है, जिनमें लीनियर सीधी चेन चल रही है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ डायल्काइल और डायराइल सिलिकॉन क्लोराइड्स, कि आप सिलिकॉन क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, डायल्काइल या डायल एराइल, और उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, सिलिकॉन रबर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ब्रिज टुगेदर बाय मिथिलीन और सिमिलर ग्रुप्स, या सिलिकॉन रेजिनस भी हो सकते हैं बाय ब्लेंडिंग सिलिकॉन विद ऑर्गेनिक रेजिनस सच एज एक्रेलिक एसिड्स वगैरह में, आप ब्लेंड करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनके दो फर्दर सब कैटेगरीज हैं। वो अपने बनाने कैसे, प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायल्काइल डाइक्लोरोसिलेन्स, ठीक है, इनसे बनते हैं। अब बनाने का तरीका है कि आपने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिया और उसका ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा लिया। अब ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है, तो होगा क्या बेटे कि मिथाइल ग्रुप जो है वो एक क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ अटैच हो गया और MgCl2 बन गया, या आपने जो ये है इसमें भी क्या हुआ कि फिर दूसरा अटैच हो गया, यानी दो अल्काइल ग्रुप लग गए टर्न बाय टर्न दो क्लोरीन को रिप्लेस करके, और बाय पासिंग मिथाइल क्लोराइड ओवर कॉपर सिलिकॉन मिक्सचर एट 300 सेंटीग्रेड, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, ठीक है, आपने डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलिकॉन बना लिया।
अब आपने इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस, ये वाटर डाल दिया तो इन Cl को OH क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और इस तरह के जब खासे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो एक का OH और एक का H आपस में क्या करेंगे, मिल के वाटर बना देंगे, इस तरह SiO Si लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल हो गए, फिर तीन, इसी तरह काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जब सीधी चेन में लिंक हो जाएंगे तो हमारे पास लीनियर सिलिकॉन्स बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ गए साइक्लिक सिलिकॉन्स प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ आर टू एस आई सी एल टू, लीनियर सिलिकॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक और रिंग सिलिकॉन्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम टर्मिनल OH। अब अगर आप टर्मिनल से OH निकाल दें, यानी ये जो टर्मिनल्स हैं इनका OH निकाल दें और ये आपस में अगर लिंक हो जाए तो फिर आपके पास साइक्लिक बन जाते हैं। देखिए ये टर्मिनल वाले OH रिमूव करके आपको बताए हुए हैं कि एक का OH और एक का H निकल गए, तो यहाँ से जब लिंकेज हो जाएगा, ये लिंकेज होने से अब देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गई है, साइक्लिक, बाकी तो ऑलरेडी लिंक्ड है, इसी तरह ये नीचे वाले भी लिंक हो गए बेटे, तो ये इस वजह से साइक्लिक होगी। साइक्लिक सिलिकॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ, यानी आप लीनियर सिलिकॉन से ही इनको बना सकते हैं, सिर्फ ये है कि टर्मिनल वाले जो OH ग्रुप्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपस में कंडेंस करना पड़ेगा, वाटर एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स दे आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आर एस आई सी एल थ्री, दे आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ मोनो अल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड, इसमें मोनो यूज होना है। देखिए ये आर एस आई सी एल थ्री आपने प्रिपेयर किया, तीन वाटर ने तीनों क्लोरीन को रिप्लेस करके तीन OH बना लिए। अब ये दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल आपको शो किए हुए हैं, इसका OH और H मिल गया बेटे, इसका OH और H मिल गया, तो ये आपके पास अभी लीनियर लिंकेज हुआ है। अब देखें इनके पास अपॉर्चुनिटी ये भी है कि नीचे वाले ग्रुप्स को भी अब रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए जब अगले स्टेप में एक इसी तरह का और मॉलिक्यूल आया तो ये दो चेन्स आपस में क्या हो गई हैं, क्रॉस लिंक हो गई हैं। अब ये लीनियर और ये लीनियर अब क्रॉस लिंक हो गए, सेंटर में भी ऑक्सीजन कॉमन हो गया क्योंकि इसका एच और इसका OH आपस में क्या हो गए हैं, वाटर बना के ये कंडेंस हो गए हैं। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स भी इन्हीं से बनते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें आपने मोनो अल्काइल लेना है और बाकी में दो क्लोरीन थे, इसमें तीन इसलिए लिए ताकि तीन OH होंगे, तो ये वाला जो नीचे वाला OH है ये भी क्या करेगा, फर्दर पॉलीमराइज करके क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स दे देगा। नेक्स्ट बेटे सिलिकेट्स, सॉल्ट्स ऑफ सिलिसिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सिलिकेट्स, ये कॉमन एग्जांपल है वाटर ग्लास बेटे, जो वाटर सॉलेबल होते हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम के सिलिकेट्स होते हैं, इनको वाटर ग्लास कहते हैं क्योंकि ये वाटर सॉलेबल होते हैं। हमारे पास जो थ्री सिलिसिलिक एसिड्स हैं बेटे, मेटा है, ऑर्गो है और पायरो है, ये उनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको। ए लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स ऑफ दीज एसिड्स आर नाउन, ठीक है, काफ़ी सारे सॉल्ट्स हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एनी सिलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस SiO2, क्योंकि वाटर निकल जाना है, एक है या दो है जितने भी हैं, तो SiO2 पीछे बच जाना है। स्पॉन्जी होता है बेटे, स्पंज लाइक होता है, फॉर्म विद 5% वाटर इज कॉल्ड सिलिका जेल, तो जो स्पंज लाइक फॉर्म में होगा और इसमें 5% मॉइस्चर होगा उसे सिलिका जेल कहते हैं। ये जो मेडिसिन बॉटल्स में वो पैकिंग होती है, शूज़ में पैकिंग होती है, पर्पस क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। द एक्सट्रीम स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकेट्स डिराइव्स फ्रॉम डोनेशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन इनटू वेकेंट 3D ऑर्बिट, ये जो चार ऑक्सीजन लिंक हुए हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास 3D वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ये वहाँ एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए सिलिकेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होने की एक मेन रीज़न ये भी है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि सिलिकेट के मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो पहली बेटे माइका या मस्कोवाइट कह देते हैं, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, KH2Al3SiO43, फेल्डस्पार है, ठीक है, ओलिवाइन है, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट होता है, यानी मैग्नीशियम स्लैश आयरन है, इसमें क्वार्ट्स हो सकता है, इसी तरह पायरोजीन्स हैं, आर सिंगल चेन सिलिकेट्स विद जनरल फार्मूला XY, और X और Y यहाँ बताया हुआ है कि डाइवेलेंट के टाइम्स हो सकते हैं, मेनली कैल्शियम या आयरन या मैग्नीशियम या मोनोवेलेंट हो सकते हैं, सोडियम लिथियम या ट्राइवेलेंट भी हो सकता है, एल्युमिनियम और आयरन, ये आगे हम देखेंगे भी इनकी एग्जांपल्स। तो ये हैं बेटे आपके पास फेल्डस्पार, ओलिवाइन, क्वार्ट्स, माइका और पायरोजीन्स। सिलिकेट, सिलिकेट का अगर आप बेटे बेसिक यूनिट देखें, SiO4 -4 है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक सिलिकॉन के साथ चार ऑक्सीजन लिंक्ड है। अब जब चार ऑक्सीजन लिंक्ड हैं तो चारों ने एक एक बॉन्ड बनाया है, इसलिए चारों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक एक नेगेटिव चार्ज है या एक एक लोन पेयर है। ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देते हैं, जो पीछे हमने कहा था।
सिलिकॉन टू ऑक्सीजन अटोमिक रेशियो क्या होगी? इसमें 1:4 यानी एक सिलिकॉन के साथ चार ऑक्सीजन है और 4 कोवलेंट बॉन्ड इसमें बने हुए हैं। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल डिस्कस्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट एक्सरे डायफ्रेक्शन स्टडी शोज दैट ऑल सिलिकेट्स हैव SiO4A9 व्हिच आर फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। सिलिकॉन का एस वाला इलेक्ट्रॉन पी में प्रमोट होकर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो चारों अनपेड ऑक्सीजन के साथ वो शेयर करके तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये बेटे एक्साइटेड स्टेट में चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस तरह ये चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। द नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस बाय मेटल केटायन। ये जो चार नेगेटिव है इसको मेटल केटायन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। एज सिलिकॉन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन सो इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। Thus, when these silicate tetrahedrons are linked together, only corner oxygens will be shared. तो corner वाले oxygens जो हैं वो share होंगे, while other silicate groups with other silicate groups. ये जो corner वाले oxygens होंगे ये आपस में ये क्या हो जाएंगे, share हो जाएंगे। Several possibilities exist and give rise to different silicate groups. उसी के base पे इनकी classification है बेटे। Depending upon the way in which tetrahedral units link, the silicates are classified. यानी way of attachment जो है उस बेसिस पे ये इनकी 7 टाइप्स हैं। ऑर्थो सिलिकेट, स्पायरो सिलिकेट या सोरो सिलिकेट्स और चेन सिलिकेट या पायरोजिन्स, रिंग सिलिकेट्स हैं, ठीक है, डबल चेन सिलिकेट्स हैं, एम्फीबॉल्स कहते हैं, शीट और फाइलो सिलिकेट्स हैं, और देन 3 डायमेंशनल या टेक्टो सिलिकेट्स हैं। तो हम इनको वन बाय वन बेटे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैं ऑर्थो सिलिकेट्स या नीसो या आइसलैंड भी बोलते हैं। सिंपलेस्ट सिलिकेट विच कंटेन डिस्क्रीट सिलिकेट टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट है, इन सिंगल यूनिट है। इसमें द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्थो सिलिकेट शो किया हुआ है। ये बेटे इसका बेसिक यूनिट है एक सिलिकॉन, चार ऑक्सीजन है, ठीक है। ये साइड व्यू टॉप व्यू सिलिकॉन को रेड से और ऑक्सीजन को ब्लू से शो किया गया। पिनासाइड और पेंकाइट जो है इसी तरह विलमाइट है, अ माइनर ओर ऑफ जिंक, हाईली फ्लोरिसेंट ग्रीन कलर का की होती है एंड शॉर्ट वेव जैसे यूवी में है। इसी तरह ऑलवाइन है, आयरन या मैग्नीशियम उसमें ट्वाइस होता है, टिपिकली ग्रीन इन कलर होती है। जिरकॉन है, ओल्डेस्ट मिनरल है जो अर्थ पे। तो ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो ऑर्थो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन है पायरो सिलिकेट्स और सोरो सिलिकेट्स और डाई सिलिकेट्स। इसमें क्या होता है कि दो आपके यूनिट्स इसके मिल जाते हैं, तो डाई इसीलिए बोल रहे हैं सिलिकेट के दो यूनिट मिल जाते हैं। तो ये जो कॉर्नर वाला ऑक्सीजन था ये दोनों में क्या हो गया, शेयर। जब शेयर हो गया तो तीन इसके पास और एक कॉमन, तो ये हो गया Si2O7। तो ये दो टेट्राहेड्रॉन जुड़ गई हैं, ठीक है, और वन ऑक्सीजन एट कॉर्नर वाला जो है वो शेयर हो गया, यानी वन ऑक्सीजन इज रिमूव वाइल ज्वाइनिंग। यानी वैसे होना ये चाहिए था, दो मॉलिक्यूल है तो 8 ऑक्सीजन होती है, SiO4, तो एक ऑक्सीजन निकल गया क्योंकि ये कॉमन जो आ गया इस वजह से। तो ये डायमर है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसिलिकेट आपको दी हुई है और इस तरह है कि O3 Si O कॉमन फिर SiO3 हो जाएगा। ये इसकी बेटे एग्जांपल्स दी हुई हैं जिन ओर सी फॉर्म में अर्थ में मौजूद है। देन आ जाते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स। कंटेन्स SiO3 एंड 2 नेगेटिव आयंस विच आर फॉर्म बाई लिंकिंग 3 or 6 टेट्राहेड्रल सिलिकेट्स। इसमें या 3 यूनिट मिले होंगे या 6 मिले होंगे। ईच यूनिट शेयर्स 2 ऑक्सीजन एटम विद अदर। उसमें एक शेयर हो रहा था, इसमें 2 शेयर होंगे। देखें ये 3 वाला आपको दिया हुआ है Si3O9, 2 मिले थे, एक ऑक्सीजन कम हो गया था, 3 मिले हैं तो 3 ही ऑक्सीजन कम हो गए। कैसे? देखिए बेटे, ये एक सिलिकेट यूनिट, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 कॉर्नर कॉमन होने गए, एक कॉर्नर ये भी कॉमन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कॉर्नर्स के कॉमन होने की वजह से 12 की बजाय 3 कॉर्नर कॉमन होने की वजह से 3 ऑक्सीजन कम हो गए। और यहाँ देखें, 2 ये हैं, 2 यूनिट ये हैं, एक ये और एक ये, ये 6 यूनिट्स वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो एक कॉर्नर कॉमन, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर्स कॉमन हो गए, 6 ऑक्सीजन कम हो जाएंगी। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन होनी तो चाहिए थी 18, तो 12 रह जाएंगे। ये इसकी बड़े एग्जांपल्स दी हैं, ये 3 यूनिट सिलिकेट्स वाला है और ये 6 यूनिट सिलिकेट वाला है। तो ये साइक्लाइज हो गए। कैसे हो गए कि दो साइडों पे देखें, एक यूनिट ने एक इधर बॉन्डिंग कर ली, एक इधर बॉन्डिंग कर ली, इस यूनिट ने एक इधर कर ली, एक इधर कर ली, इस यूनिट ने भी इस तरह एक इधर कर ली और एक इधर कर ली। तो हर यूनिट जो है वो दो ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इन ईच ऑफ दीज ईच सिलिकॉन इज ऑक्सीजन ब्रिज्ड टू 2 अदर सिलिकॉन। ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन,
ब्रिज हो गया ये अगले सिलिकॉन के साथ, ये वाला। इसी तरह ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये भी ब्रिज हो गया। तो इसमें ब्रिज हो गया, दो ऑक्सीजन एक सिलिकॉन को लिंक कर रहा है। चेन सिलिकेट या मेटा सिलिकेट या पायरोजीन्स, सिंगल चेन सिलिकेट्स और पायरोजीन सिलिकेट्स कंटेन विच आर फॉर्म बाय लिंकिंग एन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स लीनियरली। ईच यूनिट शेयर्स टू ऑक्सीजन एटम्स विद अदर यूनिट्स। उसमें भी दो एटम शेयर हो रहे हैं, देखें एक यूनिट, दो, तीन, चार, पाँच, नहीं नंबर नहीं स्पेसिफिक, लेकिन आप ऑक्सीजन देखें, एक इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, इसी तरह इसका एक इधर शेयर हो गया, एक इधर बैकवर्ड शेयर हो गया, तो हर एक के दो ऑक्सीजन जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। सम पायरोजीन्स आर जेम्स लाइक एनस्टाइट एंड स्पाउटबीन, जो है ये जेम्स लाइक है, इनको एज अ जेम यूज करते हैं, इनके फार्मूलाज बटे दिए हुए हैं। डबल चेन सिलिकेट्स या एम्फीबोल्स, द जनरल फार्मूला ऑफ डबल चेन सिलिकेट दिया हुआ है बेटे आपको। टू टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, एक वो है जो थ्री साइड शेयर कर रही है और एक वो है जो टू साइड शेयर कर रही है, यानी एक के टू वर्टेक्स और एक के थ्री वर्टेक्स। अब आप देखें इसकी बात कर लें, पहले इसका एक वर्टेक्स इधर शेयर हो गया, दूसरा इधर शेयर हो गया, तीसरा इधर बैक पे शेयर हो गया, तीन हो गए। इस पे आ जाए, इसके नज़र आ रहे हैं कौन सा एक वर्टेक्स इधर शेयर हो गया और एक इधर दो शेयर हो गए। अगले वाली की आ जाए, उसके भी दो ही हो रहे हैं, यानी जो एक्चुअली दरमियान वाली है वो तीन शेयर कर रही है। इसकी देखें एक, एक इधर दो और एक इधर तीन, इसकी देख लें एक और दो शेयर है। जो दरमियान वाली है वो तीन वर्टेक्स शेयर कर रही है, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। तो दो कैटेगरीज होगी, तीन वर्टेक्स शेयर करने वाली और दो वाली। कॉमन एग्जाम्पल एस्बेस्टॉस है, जो नॉन कम्बस्टेबल फैब्रिक्स बनाने में भी यूज़ होती है, यूज़ फॉर थर्मल इंसुलेशन मटेरियल्स, ब्रेक लाइनिंग में भी यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी यूज़ होती है। कार्सो, ये कार्सिनोजेन एम्फीबोल्स हैं, स्पेशली लंग्स के लिए। और दूसरी इसकी जो ओर है वो ट्रेमोलाइट है। द सिंगल एंड डबल चेन सिलिकेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज इनो सिलिकेट्स भी कह देते हैं इनको। शीट सिलिकेट्स या फाइलो सिलिकेट्स, ये टू डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, थ्री डायमेंशनल नहीं। ईच सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन शेयर्स थ्री ऑक्सीजन एटम्स विद अदर एंड थस बाय फॉर्मिंग टू डायमेंशनल शीट्स। इसमें भी एक सिलिकॉन तीन ऑक्सीजन शेयर कर रहा होता है, ये देखें, ये इस वाले की बात करें, एक इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया और एक इधर बैक पे शेयर हो गया। इसकी बात कर लें, एक इधर और एक इधर, जिसकी मर्जी बात कर लें बेटे, उसके तीन शेयर हो रहे होंगे इसको, ठीक है। टेलेकार सोपस्टोन इसका कॉमन एग्जांपल, इट इज़ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सोपस्टोन, सोप्स बनाने में यूज होता है, सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, ग्रीसेस टू चाच है, माइका बीसी की एग्जांपल है। क्ले जो है एल्युमिनियम सिलिकेट है विद शीट स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल सिलिकेट्स या टेक्टो सिलिकेट्स, द जनरल फार्मूला ऑफ 3D और टेक्टो फ्रेमवर्क ये होता है SiO2। जनरल फार्मूला दिया हुआ है, 3D को ड्रॉ करना क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए शो नहीं की गई। ऑल ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रॉन शेयर्स विद अदर टेट्राहेड्रॉन, सारे एटम जो हैं जितने होंगे वो शेयर हो रहे होंगे, पर इस तरह मतलब चारों के चारों शेयर हो रहे होंगे और इस तरह थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा। SiO2 क्वार्ट्ज जो है, ट्रिटमाइट है, क्रिस्टोबेलाइट है, दीज आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। सिलिकेट्स यूनिट्स आर रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूनिट्स, थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो हैं वो बन जाते हैं। एग्जाम्पल है फेल्डस्पार या ज़ियोलाइट। ज़ियोलाइट क्या है? ज़ियोलाइट बेटे आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि कैल्शियम ज़ियोलाइट वगैरह हम जो है सोडियम ज़ियोलाइट यूज़ करते हैं वाटर की प्योरीफिकेशन में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम सोडियम ज़ियोलाइट डालते हैं, तो सोडियम आयन वाटर में चले जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके ज़ियोलाइट के साथ अटैच होते हैं। फेल्डस्पार जॉइंट मॉलिक्यूल है, हार्ड है, ड्यूरेबल मटेरियल है, ये इसका फॉर्मूला है और ये सिर्फ ब्रेक डाउन होता है। ये जो हमारी रॉक्स हैं वो इसी की बनी होती हैं और ये ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग आपको पता है क्या होती है, कि जब बारिश का पानी रॉक्स में जाता है तो उसकी एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की वजह से रॉक्स की ब्रेक डाउन होती है, क्योंकि वाटर एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस वजह से ये रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं, तो वो मटीरियल जो है वो फेल्डस्पार। पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सिलिकेट्स के हैं, सिलिकेट मिनरल्स आर वेरी कॉमन इन अर्थ क्रस्ट ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन सिलिकॉन। ये मोस्ट कॉमन है, आपको एल्युमिनियम सिलिकेट्स मिल जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत अबंडेंट है और सिलिकॉन भी। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिनोटेड बाय ऑक्सीजन टू सिलिकॉन रेशियो, कितना पॉलीमराइज होगा वो ऑक्सीजन टू सिलिकॉन रेशियो पे डिपेंड करेगा।
जितनी रेशियो कम होती जाएगी इसका मतलब उतनी पॉलीमराइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। ओएसआई रेशियो वैल्यू फॉर लीस्ट पॉलीमराइज ऑर्दो सिलिकेट में सबसे कम होती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सिंगल यूनिट होता है तो रेशियो होती है 4:1, और टेक्ट्रो सिलिकेट में मोस्ट पॉलीमराइज होता है तो रेशियो SiO2 2:1 हो जाती है। विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देयर इज डिक्रीज इन चार्ज पर सिलिकॉन एटम, द चार्ज भी कम हो जाएगा एज वेल एज बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। एक्चुअली तो ये एसिडिक है, या आप कह लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी या बेसिक कम होती जाएगी। द बेसिक सिलिकेट मिनरल्स रिएक्ट रेडली विद वीक एसिड्स, कि मैंने अभी बेहतरीन का प्रोसेस बताया कि जब बारिश का पानी आता है वो आते हुए अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और वो जब रॉक्स पे आके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करता है तो उस वजह से इनकी बेहतरीन होती है, तो ये रेडली रिएक्ट कर जाते हैं वीक एसिड से। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ सिलिकेट्स, पहली है माइक्रोचिप्स में। सिलिकॉन को हम पता है, हमने पढ़ा था कि आईटी इंडस्ट्री में का मेन एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, वजह ये है कि ये माइक्रोचिप्स बनाने में यूज होता है। माइक्रोचिप्स बनाने में यूज होने की रीजन क्या है? सिलिकेट्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग थर्मल इंसुलेशन, एक थर्मली इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट भी करता है, एंड इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इसको यूजफुल बना देती हैं माइक्रोचिप्स में यूज करने के लिए। इन सब का सेंट्रल कंपोनेंट क्या होगा बेटे? सिलिकॉन होगा। द क्रिस्टल इज वेरी स्ट्रांग एंड कैन बी कट इन माइनस स्केल, मतलब बहुत छोटे साइज में भी आप इसको कट कर सकते हैं, थस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक, और तब भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? कंडक्ट करती है, इसीलिए हम इसको चिप्स में यूज करते हैं, माइक्रोचिप्स में। दीज प्रॉपर्टीज मेक सिलिकॉन द बेस्ट मटेरियल टू क्रिएट माइक्रोफोन्स, माइक्रोचिप्स यूज इन मोबाइल्स, कंप्यूटर और गेमिंग, जितनी डिवाइस हैं इनमें माइक्रोचिप्स इसी की यूज करते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्स आपने अक्सर क्लॉक पे देखा होता है, लिखा होता है क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स क्रिस्टल्स आर अदर एग्जांपल ऑफ सिलिकेट्स विद आइडियल कैपेबिलिटी ऑफ गिवर हाईली रिदमिक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, यानी इसकी जो रिदमिक वाइब्रेशन है वो बड़ी आइडियल है, इसलिए क्वार्ट्स को यूज़ करते हैं रेडियोज में, प्रेशर गेजेस में, और क्लॉक में इसको जो है वो जो सेकेंड हैंड है उस के लिए जो सेकेंड वाली नीडल है उसको बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ताकि टाइमिंग जो है वो एक्यूरेट दे। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास इज मेड फ्रॉम सिलिकेट्स, इट इज़ मेजर जो है वो यूज़ है इसका ग्लास बनाने में। सिरेमिक्स, घरों में हम जो वॉश बेसिन में यूज़ करते हैं, टाइल्स यूज़ करते हैं, ये सारे सिरेमिक मटेरियल्स हैं, तो उनको बनाने में भी इसे यूज़ करते हैं। सिरेमिक मेड फ्रॉम सिलिकेट्स हैव थर्मल करेक्टरिस्टिक्स, हेंस ऑफ ग्रेट एडवांटेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो थर्मल करेक्टरिस्टिक है कि इंसुलेटर है, तो इसलिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, जैसे स्पेस शटल्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इंटेंस एटमॉस्फेयर है उसको ये बियर कर लेगा, वहाँ पे ये जो है डैमेज नहीं होते। कंक्रीट एंड मशीनरी ट्रीटमेंट, ये भी बताया मैंने कि हम जो है वो टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल ट्रीटेड विद सिलिकॉन सॉल्यूशन कैन लेसन पोरोसिटी, इसके अलावा ये क्या करता है, जो मटेरियल की पोरोसिटी है उसको कम कर देगा, तो मशीनरी वर्क में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ताकि वाटर की पेनिट्रेशन पावर को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, बिल्डिंग जो है वो मॉइस्चर से ख़राब ना हो। वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रीज यूज सिलिकेट टू ट्रीट वाटर, ये मैंने पहले भी बताया कि हम हार्डनेस ऑफ वाटर को परमानेंटली जो है ख़त्म करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, तो जो हैवी मेटल के आइंस हैं उनको ये अपने साथ अटैच कर लेता है, जियोलाइट की फॉर्म में, कॉगुलेंट की फॉर्म में, या जो है वो फ्लॉकुलेंट की फॉर्म में, फ्लॉकुलेंट मतलब फास्टली जो है ये कॉगुलेट कर लेता है, उनको इकट्ठा करके सेटल डाउन हो जाता है, तो आप फिल्टर करके आराम से उन बिग एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स को जो एक बड़ा बंच बना हुआ है उसको फिल्टर करके, या इवन डिकेंटिंग के प्रोसेस से भी वाटर प्योरीफाइड ले लेंगे, ऊपर से पानी निकाल लेंगे, नीचे इम्प्योरिटी सारी सेटल डाउन होगी। रिफ्रैक्टरी यूज़ है, यानी भट्टी वगैरह में जो है जहाँ ज़्यादा हीटिंग करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। वाटर ग्लास मेड फ्रॉम सिलिकेट कंटेनिंग यूजफुल सॉलिड लाइक पर लाइट एंड वर्मिकुलाइट, ये टाइप्स ऑफ सॉलिड दी हुई हैं। द ग्लास कैन बी ब्लेंडेड विद लाइट एग्रीगेट्स टू मेक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमली टेम्परेचर इंसुलेटिंग बोर्ड्स यूज़फुल इन रिफ्रैक्टरीज, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ होता है, तो वहाँ बनाने के लिए आप बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैसिव फायर्स एंड इंसुलेशन लाइक मॉडल पाइप इंसुलेट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, फायर प्रोटेक्शन में भी यूज़ होता है। सॉलिड सिलिकेट्स हैव बीन अबंडेंटली यूज्ड टू एग्रीगेट सिलिकॉन रबर टू जनरेट प्लास्टिक पाइप डिवाइसेस फॉर पुटिंग आउट द फायर, जब आपने आग लगी हुई आग को बुझाना होता है, जो पाइप्स यूज होते हैं उनमें ये सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया होता है, ताकि वो फायर को कैच ना करें, ऑल्दो रबर पाइप्स हैं लेकिन उनमें क्योंकि सिलिकॉन कोटिंग की होती है तो वो फिर अच्छे जो हैं वो इंसुलेटर्स बन जाते हैं। मेटल रिपेयर, जहाँ पे भी मेटल रिपेयर रिक्वायर है कि आपने
एक्सटेंसिव हीटिंग की वजह से मेटल में क्रैक्स आ गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो वहाँ हम सिलिकेट डाल देते हैं। पेस्ट सिलिकेट पेस्ट क्या करती है, उन मेटल पीसेस को बाइंड कर देती है। इनपुट इन वाटर द मिनरल फॉर्म्स डेंस पेस्ट व्हिच इज अप्लाइड इजीली। सेफ कंस्ट्रक्शन में इसका एक एडवांटेज है, द यूज ऑफ सिलिकेट अलॉन्ग विद सॉडस्ट, ये जो आरे का बूरा होता है, बरादा होता है, उसके साथ अगर मिक्स कर लें, हैज़ मेड बिल्डिंग टू बी फायर रेजिस्टेंस, उससे बिल्डिंग जो है वो फायर रेजिस्टेंट हो जाएंगी, फायर नहीं लगेगी, ऑल दो उसका जो है वो स्मोक बहुत निकलता है। इसके अलावा पोट्री, ये जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्ले बोर्ड रिक्वायर मोर वाटर टू मेक इट लिक्विड, ठीक है, क्ले में पानी ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो विस्कस रहे। सिलिकेट वहाँ पे डीफ्लॉकुलेट्स करते हैं, मतलब पानी को निकलने नहीं देते तेज़ी से, यानी उसकी विस्कोसिटी एंड असिस्ट इन लोअरिंग विस्कोसिटी, ताकि उसकी विस्कोसिटी कम से कम रहे। मोर ओवर इट हेल्प्स पोट्री टू क्रिएट द क्रैकल इफेक्ट भी, जो है वो जो व्हील पे जब हम घुमाते हैं तो उसमें क्रैक्स जो है उस इफेक्ट को भी कवर करते हैं। मेन सर्वर इन मैजिक वाटर रिक्वायर व्हेन पुटिंग टुगेदर पीसेज ऑफ क्ले स्पेशली इफ द लेवल ऑफ मॉइस्चर इज डिफरेंट, जब आप डिफरेंट पीसेज ऑफ क्ले को जोड़ते हैं तो उसमें भी ये मैजिक वाटर का काम करता है उनको जोड़ने के लिए। तो ये बेटे इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।